हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, टमाटर की कीमत 5 रुपये किलो हो चुकी है। आप बाज़ार से अभी जाकर खरीद सकते हैं। कितना फ़ायदा हो रहा होगा ना आपको। कभी आपने सोचा इस टमाटर को जो उगाते होंगे उनको अभी कितना लॉस हो रहा होगा। टमाटर की कीमत 5 रुपये किलो है, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा कस्टमर को ऑब्वियसली होगा। लेकिन आपने कभी सोचा उस किसान का क्या होगा जिसने कड़ी मेहनत और लागत से इसे उगाया था, अब उसे कितनी ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ रहा होगा। समझने वाली बात यह है कि किसान जो भी फसल तैयार करेंगे उसकी कीमत बाज़ार ही तय करेगी, उसका लागत मूल्य नहीं तय करेगा। इसके लिए किसानों को हमेशा हानि होती रहती है। हमारे देश की लगभग 70% आबादी किसानी पर निर्भर है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। हमारे देश की GDP में फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन लगभग 15% से ज़्यादा है, फिर भी एक किसान अपने 2 वक्त की रोटी ही जुगाड़ कर पाता है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी NCRB के रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में पिछले 30 सालों में लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। तोड़ मोड़ कर देखें तो हर साल लगभग 10,000 से भी ज़्यादा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें से आपको एक तो पता होगा कि किसान लोन लेते हैं, लोन नहीं चुका पाने के कारण वो आत्महत्या करते हैं। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। मार्केट की प्राइस, जब किसान अपनी फसल उगाता है अगर उसे सही प्राइस नहीं मिल पाती है तो उस वक्त भी वो मजबूर हो जाता है आत्महत्या करने के। भारत में इफ्को नामक एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसने DAP के दाम में 58% की बढ़ोतरी कर दी। यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट के 50 kg का जो एक बोरा 1200 रुपया में आता था, अब 1900 रुपया में उपलब्ध होगा। ऐसे पेट्रोल और डीजल के प्राइस ने किसानों की कमर तोड़ रखी थी, अब फर्टिलाइज़र के प्राइस बढ़ा दिए गए। फर्टिलाइज़र जो कि किसानों के एक्सपेंडिचर का एक बड़ा हिस्सा होता है, जहां पे किसानों का सबसे ज़्यादा अमाउंट वेस्ट होता है। केवल DAP ही नहीं बल्कि फर्टिलाइज़र की जो और भी सोर्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, इनकी भी कीमतों में बढ़ोतरी की गई। 48% से 51% की बढ़ोतरी की गई है इनकी कीमतों में। इफ्को के चेयरमैन US अवस्थी का कहना है कि ये प्राइस जो हाइक हुई है वो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये कंट्रोल हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये इफ्को एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, अगर ये प्राइस हाइक करती है तो इसका मतलब ये है कि देश की और भी कंपनियां अपने प्राइस हाइक करेगी। आपको बता दें, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पिछले महीने ही DAP के प्राइस में 300 रुपये की हाइक कर दी थी पारादीप फर्टिलाइज़र की कंपनी ने। उस वक्त पारादीप फर्टिलाइज़र लिमिटेड ने DAP की कीमत को 1200 से सीधा 1500 रुपये कर दिया था। यानी अब वस्तुओं की कीमतें बाजार कंट्रोल कर रही है, यानी हमारा देश भी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। जिस तरह से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो अनियंत्रित हो चुके हैं, उसी तरह से मिस्टर अवस्थी भी कह रहे हैं कि फर्टिलाइज़र की जो कीमतें हैं अब अनियंत्रित हो चुकी है। देखिए, मिस्टर अवस्थी जो कि इफ्को के CEO है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका कहना है कि इसका कोई भी ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। देखिए, ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे पूजनीय अवस्थी सर का कहना है कि अभी 11.26 लाख टन का फर्टिलाइज़र स्टॉक है हमारे पास, जिसको ओल्ड रेट पर ही बेचा जाएगा, यानी कि जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता है न्यू रेट उस पर लागू नहीं होगा। साथ में उनका ये भी कहना है कि तब तक ये प्राइस कंट्रोल में आ सकती है, इसलिए ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो खबर सुबह सुबह सही लगे हो सकता है वो शाम को गलत बता दिया जाए, इसलिए ध्यान से वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। धन्यवाद।